नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। तीन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत तमाम जजपा के विधायक किसी भी तरह का दबाव ना बनने की बात कह रहे हैं, और कोई अगर दबाव बनने की बात कहता है तो उसे सिरे से नकार देते हैं। बुधवार को चंडीगढ़ में जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा ने भी किसी भी तरह का दबाव ना होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में रहकर वे जनता के भले के काम कर सकते हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। तीन कृषि कानूनों को लेकर क्या कहते हैं जजपा विधायक? क्या जजपा विधायकों पर है किसी तरह का दबाव? सत्ता में रहकर कर सकते हैं जनता का भला ढांडा। किसानों की मांगों को लेकर जजपा विधायक ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जजपा विधायक की मांग। तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच जहां एक तरफ पहले जजपा विधायकों पर किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, तहां पंचायतों की तरफ से जजपा विधायकों को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। वहीं लगातार जजपा किसानों के समर्थन में जरूर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां महीने भर पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरह का दबाव होने से मना किया था, तो वहीं अब जुलाना से जजपा के विधायक अमरजीत ढांडा ने भी दो टूक कह दिया है कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है कि वे इस्तीफा दें, और न ही उनके हलके में जनता ने ऐसी कोई मांग की है। जजपा विधायक बुधवार को चंडीगढ़ में इनसो के एक कार्यक्रम में थे, जहां ढांडा ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और सभी का पेट पालता है। आगामी फसल सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए उनकी केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि किसानों की समस्याओं का जल्द ही समाधान होना चाहिए। मेरे हलके में ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर, मेरी जनता किसान मेरे पास आते मेरे इस्तीफा दे, मेरे पास ऐसा कोई परिसर नहीं है, क्यों? किसान हमारे देश का अन्नदाता है, वो सभी का पेट पालता है। तो मैं तो केंद्र सरकार से अपील करता हूं आपके माध्यम से, अपने किसान भाई भी आए हुए हैं, युवा साथी भी हैं, तो केंद्र सरकार ने बातों बोर से जल्द ही एक मिनट किसानों पर भारी पड़ता जा रहा है, क्यों? सर्दियां में ना, अब काम का सीजन भी आने वाला, फसल भी आएंगी, तो स्कूल भी कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं, तो मैं तो केंद्र सरकार से जल्दी समाधान होना चाहिए, हम ये अपील करते हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में जजपा विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा कि सत्ता के साथ चलकर ही जनहित के काम किए जा सकते हैं, सत्ता से बाहर होने पर कुछ भी काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान का भला सोचते हैं। सत्ता में रहते हुए जल्दी काम होगा, कुछ काम भी हो जाएंगे, इस समस्या समाधान भी हो जाएगा। सत्ता से बाहर तो कुछ भी नहीं हो सकता, किसान इसके जब हम साथ में सरकार के साथ में है तो सरकार साथ में रहेंगे तो हम कुछ भी जीत हासिल कर लेंगे। उस और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी किसानों को भला सोचते हैं, भलाई सोचते हैं, उम्मीद करते हैं इस बातों में। अच्छा बात मानी जाए किसानों की, इसी बातों में धन्यवाद। इसके बाद जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने दो टूक कहा कि प्रदेश में जिन फसलों पर MSP दी जानी है उन पर MSP दी जा रही है, उल्टा राजस्थान और पंजाब के किसान हरियाणा में फसल बेच रहे हैं, हरियाणा में MSP पर कहीं भी कोई परेशानी नहीं है और न ही आने दी जाएगी। साफ है कि जजपा विधायक किसानों के साथ होने की बात कह रहे हैं और साथ ही सत्ता में रहकर ही जनता का भला करने की बात भी कही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।